कभी सोचा है आपने कि आपके गांव के बारे में न्यूज़ कहीं नहीं दिखता? ऐसा क्यों? बदलना चाहेंगे उसे? हम पत्रकार हैं और हम समाज की समस्याएं और मुद्दों की खबर बाहर लाते हैं। हमारे चैनल का नाम पारी है। ये रोजमर्रा के लोगों के दैनिक जीवन के बारे में बात करता है। हिंदी साहित्य 13 भाषाओं में उपलब्ध है। राजनीति, क्रिकेट और बॉलीवुड के बारे में बहुत लिखा जाता है, लेकिन जो गाँव के मुद्दे है, समस्याएं हैं, कलाकार हैं, ये न्यूज़ हम देखते ही नहीं हैं। दूसरी मीडिया शहरों में रहती है और शहरों की बातें छापती है। पारी में हम ये बदलना चाहते हैं और बदलाव युवाओं से शुरू होता है। हम आपके लिए 3 महीने के लिए क्लासरूम खोलेंगे, जिसमें आप जूनियर रिपोर्टर बनने की ट्रेनिंग में लग जाएंगे। और आप लोग के क्लासरूम में क्या सीखोगे? फोटोज़ कैसे खींचते हैं, वीडियोज़ कैसे बनाते हैं और अलग अलग लोगों से बात करके कहानी कैसे लिखते हैं। आपकी लिखी हुई खबरें हम पारी एजुकेशन के वेबसाइट पर छापेंगे। हमने लगभग आप जैसे 100 स्टूडेंट्स के फिल्म्स, स्टोरीज और फोटोग्राफी को पब्लिश किया है पारी में। आप सोचते होंगे कि ये सब जरूरी क्यों है, ये सीख के नौकरी कैसे मिलेगी? इसका जवाब हमारे जूनियर पत्रकार ही दे पाएंगे। हेलो, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले से हूँ। मेरा नाम रिंकी यादव है, मैं ग्वालियर से हूँ। 2 महीने से मैं पारी में इंटर्नशिप कर रही थी, तो पारी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिला। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पारी क्या काम करती है। गांव की स्टोरीज पर काम करती है, जो स्टोरियाँ लुप्त होती जा रही हैं। स्टोरी टेलिंग क्या है वो समय से इसमें सीखी। फील्ड वर्क करना, क्योंकि मैं पहले तो फील्ड वर्क मतलब कभी की नहीं थी, तो यहाँ आने के बाद लोगों से बातचीत करना, जाके डायरेक्ट उनकी कहानी पूछना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मैं कभी इतने ज़्यादा समस्या जटिल हल करना सीखी नहीं। और मैं चाहूंगी कि अगर मुझे मौका मिले पारी के साथ जुड़ने के लिए, तो मैं हमेशा जुड़ी रहना चाहूंगी, क्योंकि स्टोरी लिखना मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसे सीखना भी, सीखते रहना भी मतलब अच्छा है कि इसे सीखते रहो, काम करते रहो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।